कई बार बट जाऊंगे बेबे ब्राह्मणा का जन्म दे रखा चिंता ना करें। भाई सुरेंद्र कैसा ना सारा मतलब सिस्टम बहुत अवन आवन काम टेम बदल सका हाँ क्यों हमारा बा मतलब अगला बुझेगा उस हिसाब से मतलब के मैं भी कर सका। हम एक ब्राह्मणता है एक सुनो ध्यान से एक बात, एक चौधरी ने एक ब्राह्मणता है नुंदो दे दियो दादा महाराज जी मिलिए तड़के सवेरे सवेरे चौधरी ने रोटी घालन लाग री परामठे पोवे चौधरी की माँ खटोला गाली दोरा बैठी दो चार एक डंग चुल लेते हैं एक लाल लाल कुत्ता हंड है गाल में उसका चुल लगा नहीं मुंह था बोड़िया का परामठे गाल ले थी दो परामठे वो कुत्ता ठा ले गया छावड़ी में उसने मुंह दिया दो छाए उसके एक थोड़ा सा घेसड़ के नीचे पड़ गया दो ने कुत्ता ले गया। बोड़िया ने देखा भी सात परामठे हो लिए थे दो ले गया वो कुत्ता ना जो वो परामठे ठाए तो बुढ़ड़ी की नगा पड़ गई बोली ए बेसुरी है देखे कुत्ता कुत्ता मुंह दे गया कुत्ता ठा ले गया इतनी बार में कुत्ता पा रहे कुत्ता तो बाण लकड़ा छाबड़ी का धोरा सारे खड़े हो गए चौधरी ब्याह खड़ा हो गया यो तो कसून हो गया भाई रसोई भी अशुद्ध होगी। इतनी बार में पंडित जी आ गया मेरा डाल माड़ा ले रहा तोलिया गे रहा और भितरना की देखा छाबड़ी के दौरे सारे खड़े बोला के बात भाई जिद वो चौधरी हाथ जोड़ के नहीं बोला दादा कसून हो गए अशुभ हो गया काम एक लाल कुत्ता ऐसा गाड़ में बैठी जो दो परामठे ठह ले गया परामठा कोई बात को नहीं और घर जाएंगे लेकिन छाबड़ी मुंह दे दिया आज का नुंदा दादा कैंसिल मान लो फिर देखेंगे दो बार आपने लगातार जमावेंगे दादा नूकन दी साथ पंडित जी के भीतर मागी सी लाग गई नू बोला कुत्ता ने परामठे ठाए ये कुण देखा था देई बुआ बात आवेगी ताई माड़ी जिन्नू बोला दादा मेरी माँ देखे थी बोला बुरा बोला हाँ दादा मन ने देखा कुत्ता बोला बुढ़ी जब कुत्ता ने परामठे ठाए जी पुंजड़ डालाया था जिन्हू बोली दादा पुंजड़ तो निचन तो लटके थो अरे हाल दो कौन देखे बोले पागल हो गया सारा कुणबा शास्त्र क्या कहता है लालम कुत्तम सर्वोत्तम ले गया परामठे दो और अशुद्ध रसोई तब होगी जब पूंज लाई हो पूंज ला की कुत्ता परामठे ठावे तो अशुद्ध मानी जाए और सीधा पूंजड़ था अशुद्ध नहीं मानी जाएगी रसोई सड़ाओ खीर ये थम खा लो चार परामठे मेरे और गाल दो कहने का मतलब ये है इसमें भी सार है बेबे कुत्ता जब हम रोटी खावांगे और हमारे दरो कुत्ता आगे खड़ा हो जाएगा तो कुत्ता मतलब पुंजड़ा लाओगा टूक खाते रहे और जब कुत्ता चोरी करेगा छाबड़ी में तो कुत्ता का पुंजड़ नहीं अलगगा कुत्ता का पुंजड़ सीधा रहता है ये प्रकृति का है तो इसलिए मतलब पंडित जी ने बेरा था इस बात का। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों बालक ब्राह्मणा के हैं बेटी बेबे जो भी गावांगे वो बढ़िया गाओगे बढ़िया बात बताओगे आराम से सुनी जाइयो जकर